In module 20, under the topic of microeconomics and micro, now we will explain what is the importance of microeconomics. So, microeconomics will help us to formulate various economic policies. Government will be able to decide various issues available in the economy with the help or the knowledge provided by the microeconomics. So definitely, here the concept of opportunity cost, concept of available resources, concept of the pricing, concept of the strategic moves, it will provide the capacity to the government to decide various economics issues through various policies. So it explains the working of the capitalist economy. It explains the working of various market structures it explains how the exploitation of the various market structure or the capitalist economy can be reduced and how the ownership of the resources can be redistributed in the better form and microeconomics can also explain that if contrary to the capitalist economy the free economy has to be developed so individual units how they will attain their equilibrium and in the free market how the resources they will be utilized under the laissez faire how level playing field has to be provided to every economic agent so this has to be decided under the microeconomics and it provides the facility to explain all these features and formulation of policies

कभी हम मिनिमम वेज का नाम सुनते हैं कभी हम मैक्सिमम प्राइस का नाम सुनते हैं कभी हम फ्लोर प्राइस का नाम सुनते होंगे कभी हम सीलिंग प्राइस का नाम तो ये एक्चुअली प्राइस पॉलिसीज की मुख्तफ शक्लें हैं जिसमें गवर्नमेंट कई दफ़ा अपने जिम्मेदारों को अपने काश्तकारों को उसकी लागत की मिनिमम श्योरटी देने के लिए मिनिमम स्पोर्ट प्राइस तय कर देती है जिसके तहत एटलीस्ट मार्केट में जब भी उसको यह डर हो कि काश्तकार को सही लागत नहीं मिलेगी तो एक कीमत तय कर दी जाती है कि वो चीज मार्केट में जब भी लेके आएगा वो उससे कम पर सेल नहीं होगी इसी तरीके से हम सपोर्ट करने के लिए कंज्यूमर्स को या प्रोड्यूसर्स को मुख्तलिफ प्राइसेस तय कर सकते हैं फिर उसको नेक्स्ट मार्केट सिग्नल में लेके जाने के लिए क्योंकि अगर एंटरप्रेन्योर को उसकी प्रॉपर प्राइसिंग नहीं मिलेगी तो नेक्स्ट टाइम पे उसको लॉस होगा तो वो उस चीज की पैदावार कम कर देगा चूंकि जब पैदावार कम हो जाएगी तो अगले साल उसकी प्रोडक्शन ना होने से मार्केट में जब सप्लाई नहीं होगी तो गवर्नमेंट के लिए उस डिमांड को मीट करने के लिए उससे कहीं ज्यादा अमाउंट की इम्पोर्ट करना पड़ सकती है तो यहाँ पर गवर्नमेंट इस प्राइसिंग पॉलिसी की मदद से ट्रू एलोकेशन ऑफ रिसोर्स करती है और दिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स इज द बेसिक यूनिट जो हर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की एक्चुअल वैल्यू जजमेंट के लिए इस्तेमाल होता है और एफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट के लिए दिस रिसोर्स की सही प्रोडिक्शन बिजनेस का फोरकास्ट होना और उसकी टोटल अवेलेबिलिटी का उसकी टेक्नोलॉजी का होना और उसकी कैपेसिटी की असेसमेंट होना ये तमाम का तमाम हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर डील होता है और ये तमाम चीज़ों का जो नॉलेज है वो एंटरप्रेन्योर को कंज्यूमर को मार्केट के डिफरेंट एजेंट्स को पॉलिसी होल्डर्स को इंस्टीट्यूशनस को हेल्प आउट करता है कि वो उसका डिसाइड कर सकें कि बेटर फॉर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ को हमने कैसे अटेन कर